जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि कोई भी सांसद अपने पास एक ही लोकसभा क्षेत्र रख सकता है। इस नियम के मुताबिक राहुल गांधी को या तो वायनाड या रायबरेली में से किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करना होगा, जबकि दूसरी सीट उन्हें छोड़नी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार दो संसदीय क्षेत्र से चुने गए हैं। राहुल गांधी के पास अभी केरल के वायनाड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट भी आ गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि कोई उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा दो निर्वाचन क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ सकता है। इसी कानून में कहा गया है कि यदि उम्मीदवार दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर एक सीट खाली करनी होगी, जिसके बाद उस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में से कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और कौन सी छोड़ देंगे। आइए इसकी पड़ताल करते हैं और राहुल गांधी किस एक सीट को रखने और छोड़ने का फैसला किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखकर करेंगे वो भी समझते हैं। बता दें, राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड से ही सांसद हैं। साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने दो निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ा था। तब उन्हें उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से पराजित होना पड़ा था। इस बार उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली को चुना और चुनावी मैदान में ताल ठोकी। इसके साथ ही साथ ये जान लीजिए कि वायनाड में उनका प्रदर्शन कैसा रहा। राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट से 59% वोट मिले और उनके जीत का अंतर लगभग 3,64,000 वोटों से था। वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी को 33% के अंतर से जीत दर्ज की थी उन्होंने। जहां अब बात उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट की आती है तो यहां से राहुल गांधी को इस चुनाव में 66% वोट मिले। यहां उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को मात दी जिसे केवल 28% वोट मिले। इस तरह से राहुल गांधी को कुल 3,90,000 से उन्होंने जीत दर्ज की। साफ है कि राहुल गांधी के लिए वायनाड के मुकाबले रायबरेली की जीत ज्यादा बड़ी है। जीत का मार्जिन एक बात है, इससे भी महत्वपूर्ण बातें जिन्हें ध्यान रखकर राहुल गांधी आखिरी फैसला ले सकते हैं उन पर गौर करते हैं। पहला सवाल है कि क्या मां सोनिया की अपील का अपमान करेंगे राहुल। दशकों से लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रही सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए बहुत भावुक अपील की थी। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में एक ही चुनावी सभा को संबोधित किया था, वो थी रायबरेली सीट। रायबरेली में उन्होंने अपनी रैली में ये कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। सोनिया गांधी की इस अपील का रायबरेली की जनता ने मान रखा, तो क्या अब राहुल गांधी के लिए रायबरेली छोड़ना सोनिया की अपील का अपमान नहीं होगा। दूसरी जरूरी बात, केरल की कुल सीटों का बराबर यूपी का एक क्षेत्र है। केरल की लोकसभा में सिर्फ 20 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में उसकी चार गुना है, 80 सीटें हैं। रायबरेली मध्य यूपी का इलाका आता है। सेंट्रल यूपी में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, जो पूरे केरल प्रदेश के बराबर हैं। यूपी में कांग्रेस का मोमेंटम बनाए रखना एक टास्क होगा। केरल में वैसे भी कांग्रेस मजबूत है, उत्तर प्रदेश में इसकी हालत थोड़ी गंभीर है। गांधी परिवार की परंपरागत सीट होने की वजह से रायबरेली और अमेठी का किला बचा हुआ है। साल 2019 के चुनाव में अमेठी कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी, इस बार कांग्रेस ने रायबरेली में अपनी पकड़ बना ली है। चौथी जो जरूरी बात है वो केरल में पहले से ही कांग्रेस बेहद मजबूत पकड़ बनाए हुए है। केरल में इस बार बीजेपी ने कमल खिलाने का इतिहास रच दिया। बीजेपी को यहां जड़ जमाने और कांग्रेस को झटका देने की स्थिति में आने में अच्छा खासा वक्त लगेगा। बीजेपी अगर केरल में बढ़ी तो पूरी गुंजाइश है कि वो वाम दलों की कीमत पर बढ़ेगी, ना कि कांग्रेस को झटका देकर। ऐसे में राहुल गांधी को रायबरेली छोड़कर वायनाड में बने रहना मजबूरी नहीं है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।